नमस्कार, मेरा नाम प्रेम जलाना है, मैं उत्तराखंड से हूँ। आज हमारी ग्राफिक लाइट लाइट के सेक्शन था, जिसमें हमने सर ने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, जो हमने उसके बाद प्रैक्टिकली करके भी देखा। हमने लाइट आईसी भी लाइट भी बनाई, और हमें किस तरीके से क्या उसमें स्विचिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा अपनी जो हमें समझाया अपनी ओर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी डीसी आईसी से 4 वोल्ट की हमारी VPH बनेगी, जो हमारी 6 नंबर के पिन पे जाएगी। फिर उसके बाद हमारी बक कॉइल से होते हुए 4 नंबर की पिन पे स्विचिंग के लिए जाएगी। फिर उसके बाद हमें इसे चलाने के लिए 4 पॉइंट जो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्टर लगाने के बाद 4.8 की वोल्टेज आएगी, जो हमारी 5 नंबर पिन पे जाएगी। उसके बाद हमारी IC प्रॉपर स्विचिंग करना स्टार्ट करेगी। फिर उसके बाद हमारी बक कॉइल से होते हुए बूस्ट कॉइल से होते हुए डाइवर्ट पे जाएगी। डाइवर्ट के ऑफ कंडीशन ना, हमारे फोन के ऑफ कंडीशन में इस साइड पे हमारी 4 वोल्ट रहेगी, और इस साइड पे भी हमारी 4 ही वोल्ट रहेगी। जब हमारा फोन ऑन होगा, उसके बाद हमारी इस प्लस सिले से वोल्टेज जाके माइनस सिले में हमारी 15 वोल्ट से 45 वोल्ट जाएगी, 50 वोल्ट के कैपेसिटर से होते हुए डिस्प्ले लाइट पे। चलिए ठीक है, हमें इस तरीके की नजर डाला है। मैं उत्तराखंड से हूँ। आज हमारी ग्राफिक सेक्शन की क्लास थी, जो सर ने हमें इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि 1 क्लिक में ही पूरा समझ में आ गया, और किस तरीके से हमें IC मॉडिफाई करना है, किस तरीके से अगर हमारे पास ग्राफिक IC ना हो या कुछ भी, कोई भी IC ना हो, CPU, AMC, पावर कुछ भी ना हो, फिर भी हम ग्राफिक IC पूरी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि हमसे तो पहले चार्जिंग IC ही नहीं ना, लाइट ऐसी ही नहीं लगती थी, तो इतनी अच्छी तरीके से समझा कि हम पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं आज की डेट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे टेलीकॉम का। जो ये क्या क्लास थी आज हमारी, लाइट सेक्शन। तो आप में से किस किस का लाइट जला? सबका लाइट जला है। yes, मतलब तरीके से मॉडिफिकेशन के साथ ऑल सर्किट क्लियर है। D8 होता है, D5 होता है, D6 होता है, या फिर 6 लेग होता है, PMI होता है, PML होता है, या 63P, सबके डाउट क्लियर है। अब ये बताइए कि बिना CPU MMC पावर के लाइट किस किस ने जलाया यहाँ पर? सबने जलाया लाइव प्रैक्टिकल के साथ। अभी हमारे पास से सेट रिटर्न जाएगा क्या? देखो, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि एक ही दिन में लाइट भी पढ़ाते हैं, ग्राफिक्स भी पढ़ाते हैं, और टच भी पढ़ाते हैं, और AMOLED भी पढ़ाते हैं। हमने हर सेक्शन को अलग अलग रखा है। क्यों अलग अलग रखा है? ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एशिया टेलीकॉम मतलब एशिया टेलीकॉम मतलब थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप नेपाल से हैं तो आप मेरे इस नेपाल के स्टूडेंट का फीडबैक दे सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे, और आप इनसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप इनको इनका डायरेक्ट नंबर चाहिए तो आप हमारे दिए गए 7000731192 पे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास अभी नेपाल के 2 स्टूडेंट हैं, और जो फ्रेशर हैं, जिनमें कभी भी CPU MMC को छोड़ो, जिन्होंने कभी कोई IC पर काम नहीं किया, पर ये अपनी लाइव पावर IC लगा के 3rd दिन में और 4th दिन में लाइव 4G CPU लगा कर बैठे हुए हैं। इवन फेसबुक में इन्होंने लाइव CPU भी लगा के और सर्किट को मॉडिफाई करके इन्होंने काफ़ी लेवल तक इन्होंने सीखा है। आप इनसे एक्सपीरियंस गेन करो कि क्या इनका इंडिया आकर एशिया टेलीकॉम में सीखना, रहना खाना सब कुछ सिर्फ एक सिंगल फीस, जिसमें अब इनको मैं 5G कोर्स का अपडेट दूंगा 3 महीने के जाने के बाद में, इनको नेपाल में बैठे बैठे, और प्लस इनको अपना ऑनलाइन पूरा iPhone का कोर्स दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट नेपाल में, और इसके अलावा लाइफ टाइम का बैकअप इनको मिलने वाला है सिर्फ एक फीस में, और ज़िंदगी भर का संबंध। तो ये आपको भी मिल सकता है, आप बस कॉल करो।
सो हाय दोस्तों, अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन आते हैं, आप रिपेयर कर रहे हो या टेक्नीशियन हो या कहीं सीखने गए हो, तो आपने ये नॉलेज तो लिया होगा कि आपके फ़ोन के अंदर एक अब सिंगल पावर नहीं आती है, डुअल पावर आती है, और इवन अब 5G हैंडसेट में 3 पावर या 4 पावर और अब मीडियाटेक के अंदर तो 5-5 पावर का सर्किट है। जनरली दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, तो सबसे पहले जो पहली पावर आई थी उसके बाद जो कंसेप्ट आया था वो सब पावर का आया था। सो उन्होंने क्या किया, लाइट और ग्राफिक्स और DC to DC एक IC बना के प्रोटेक्शन के तौर पर एक सब पावर आपको दे दी जो कि चार्जिंग IC है। उसके बाद अब उन्होंने, क्योंकि CPU हैवी हो गया, ग्राफिक्स बदल गए, तो उन्होंने कोर पावर लॉन्च किया जो CPU के बग कॉयलों को हैंडल कर सके, ग्राफिक्स हो गए, डाटा रैम के सप्लाइयाँ हो गई, तो उसके लिए ताकि पावर पर लोड ना आए और एक पावर के अलावा भी 2 पावर हो जाए। इस तरीके से अब सेट के अंदर अगर CPU ज़्यादा अच्छा है आपका, बड़ा है और अच्छे क्लॉक स्पीड पे काम करता है, तो वो 3 पावर या 4 पावर को भी रख सकता है। आपको सिर्फ उसका बूट सिक्वेंस समझना है कि चारों पावर कब ऑन होती हैं, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो हाय दोस्तों, अगर आप लोग फ्रेशर हो, IC नहीं लगाते हो, कनेक्टर या डिस्प्ले पे काम करते हो, फोल्डर वोल्डर बदलते हो, या आप नॉर्मल IC लगा रहे हो पर आपको CPU लगाने से डर लगता है, या आपको अभी भी नहीं पता है कि IC लगा दी पर सर्किट कैसे बनाए, और सर्किट आपको नॉर्मली फॉल्ट फाइंडिंग में आपको दिक्कत हो रही है, नेटवर्क सेक्शन हो गए, डेड सेक्शन हो गए, तो ये सुनहरा अवसर है, Acer Telecom को ज्वाइन करो, क्योंकि Acer Telecom एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में सबसे बड़ी लैब लेके बैठा है, प्लस आपसे IC लगवाने की गारंटी देता है, प्लस आपसे सर्किट आपको ट्रेस करवाएगा, मॉडिफाई करवाएगा, आपसे EMMC UFS सब कुछ, और ये पूरा एक्सपीरियंस स्किल के साथ आपको मिलने वाला है। एक फीस जहां आपको रहना फ्री, खाना फ्री, आपके वर्किंग बोर्ड फ्री, आईफोन का ऑनलाइन कोर्स फ्री उसके साथ 3 महीने के बाद, और आपके आपको मिलने वाला है आपके 5G का अपडेट, और ये सिर्फ Acer Telecom के स्टूडेंट को मिलने वाला है। तो कम फीस के चक्कर में मत पड़ो, Acer Telecom को ज्वाइन करो, एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट के साथ में काम करो। Acer Telecom देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फ़ोन टीचर से फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं।